सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करते हैं। गाइस अभी शाम हो गया, तो इसे शाम के टाइम में आज निकलेंगे और शहर में शायद चला जाएगा या तो कहीं और, मतलब अच्छा ही जगह चलेंगे। तो फिलहाल मेरे ब्लॉग में बने रही, आइए अभी निकलते हैं शहर के साइड। अभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, थोड़ा सा मेरा भी ध्यान इधर उधर चला जा रहा है, बट ध्यान को यहाँ पर रखना है फ़ोन पे अपने, तो ध्यान पे फ़ोन पे ध्यान रखते हैं, देन निकलते हैं यहाँ से। तो ये गाइस अभी आ गए धर्मशाला हम लोग, और कुछ काम से आए थे, तो मेरा फ्रेंड गया कुछ काम करने के लिए, अभी हम लोग यहाँ पर हैं। देन अभी आएगा तुरंत, तो अभी निकलेंगे, थोड़ा सा शहर घुमा जाएगा। वैसे तो यहाँ पर सलून है, तो बाल ही कटवाने के लिए अब समझ सकते हैं आया है पीछे। तो फिलहाल अभी हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, इधर कुछ खास है नहीं जो दिखाने के लिए, दिखा देता। बट यहाँ एक होटल है, क्या नाम है उसका, गंगेश, जो कि काफ़ी फेमस है इस एरिया में, मैं बता दे रहा हूँ धर्मशाला के अंदर सीधा आप लोग आएंगे। तो ये आप लोग ध्यान में रखे रहिए, क्योंकि मैं भी खोज रहा था गंगेश होटल की तरह, गंगेश होटल की तरह, लेकिन बाद में देखा क्यों इधर ही यहीं पर है। तो आप लोग ध्यान दीजिए आज। सो है गाइस, हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं, और विवेक कभी गया चाय पीने के लिए, अभी हम लोग बाहर ही हैं क्योंकि हम लोग चाय नहीं पियेंगे, अभी चाय पी के आता तो धन्यवाद। कॉलेज पर कॉलेज का है, सॉरी, हम लोग आए हैं कूड़ाघाट हम संत, और अभी भी ये क्या है अपना सामान लेने के लिए। तो हम लोग वैसे ही मतलब घूम रहे थे आज, मतलब वैसे प्लान महावीर का फाल होता पी लेते हैं, देन और फिर वही घर चला जाएगा। फिलहाल तो ऐसे मेरा ब्लॉग कुछ इतना सही बन नहीं पा रहा, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, शाम के टाइम निकल रहा हूँ, बाइक वगैरह इसमें मिलने थोड़ा सा प्रॉब्लम है, धीरे धीरे सही भी हो जाएगा। ऐसा नहीं आप लोग सपोर्ट बस करिए, बाकी तो मैं अपना हैंडल कर ही रहा हूँ, देन धीरे धीरे आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो अच्छा सा मतलब प्रोग्रेस होगा, अच्छा सा कमबैक होगा। वैसे तो कमबैक है ही, लेकिन कुछ तगड़ा सा किया जाएगा, कहीं चला जाएगा ट्रिप पे, इंटरनेशनल या मतलब इंडिया में कहीं तो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग अभी गए थे नेपाल, अभी हम सोच रहे हैं कि जाने के लिए वहाँ क्या कहा जाता है, अभी सोच रहे हैं सिंगापुर चला जाए, लेकिन वहाँ का वीज़ा लगेगा, तो वीज़ा मतलब बनवाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो गोवा निकला जाएगा। तो जल्दी ये मतलब ट्रिप फाइनल किया जाएगा। फिलहाल तो आइए अभी फालूदा उलूदा पी लिया जाता, थोड़ा सब्जी ले लेते हैं, देन आप लोग बता देते हैं। और अगर मैं बता दूँ, हर जगह फालूदा और बादाम से काजू से का प्राइस अलग अलग है। यहाँ का है, अगर आप लोग आइसक्रीम मिलेगा तो 30 का, और नहीं तो वैसे आइसक्रीम मिलेगा तो 40 का गिलास, और फालूदा आप लोग का पूरा टोटली पड़ जाएगा और 60 मतलब 60 रुपये का पड़ जाएगा, और काजू से यही दाम है पूरा, तो आप लोग इतने दाम पर यहाँ पर मिल सकते हैं। ये हम लोग पूरा घाट में तीनों लोग का आ गया। अभी फिलहाल मैं हूँ विवेक संत, क्या चीज मेरा तुम लोग आगे से कर लिया, ये खड़ा ले लिया फिलहाल। तो